नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सूटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि हाँ, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर चुका है और जल्दी से पता चल जाए और हम लोग वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। लगातार इस पूरे यूनिवर्सिटी लिस्ट के लिए वीडियोज भी हमारे चैनल पर आ रहा है। तो आज हम लोग CUTPG 2024 में अभी तक कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर दिया है। जिनको ये पूरा प्रोसेस नहीं समझ में आता है, प्लीज मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा। आपने CUTPG का एग्जाम दिया, डन। तो एग्जाम देने के बाद आप जिस भी अपने इंटरेस्टेड यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, वो यूनिवर्सिटी अपने आप पोर्टल ओपन करती है। लाइक आप हमारे यहाँ आइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, तो हम लोग आपके जितने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे उनके मेरिट बनाएंगे और जो टॉप पे बच्चे आएंगे अकॉर्डिंग टू द सीट, उनको हम लोग फाइनली एडमिशन दे देंगे। ठीक है, तो प्लीज हमारे यहाँ लगातार वीडियोस आ रहा है, हम लोग कंटिन्यू वीडियो कवर कर रहे हैं, ऑफिशियल अनऑफिशियल एजुकेशनल वीडियोस कवर कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप ऐसे वीडियोस देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में BHU पाठशाला अच्छे से चैनल को आप देख लो, इतना ज्यादा हेल्पफुल होगा कि आप यकीन नहीं मानोगे। हर साल के बच्चों का ये सबसे बड़ा ट्रस्टेड चैनल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होते हैं वो यही पे सुनने को मिलेंगे। बाकी तो जैसे मान लो बहुत सारे चैनल है, तो आप भी तो कंफ्यूज रहते होगे ना कि यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। लेकिन कोई एक ऐसा चैनल भी होना चाहिए जिसको आप देखने के बाद वहां जब कोई वीडियो मिल जाते हैं, लंबी सांस और एक संतुष्टि मिलती है। हाँ, अब बात सही है, तो वो चैनल यही है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, ये लिस्ट है जहां पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और इसका मैं वीडियोस दे चुका हूं। ठीक है, हरियाणा, साउथ बिहार, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, कश्मीर, तेजपुर, केरला, मणिपुर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी, ये भी बिहार में ही है, और यहाँ पे जम्मू। इतनी यूनिवर्सिटीज जो है वो ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर चुकी है, आप इन यूनिवर्सिटीज में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अब हम लोग देखेंगे कि अभी न्यूली कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जहां पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। साथ ही साथ मैं आपको उन यूनिवर्सिटीज का भी नाम बताऊंगा जो CUET में अच्छे मार्क्स बच्चे नहीं लाए हैं, तो वो वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर दे, क्योंकि वहां पर भी आपको एडमिशन पे मौका मिल सकता है, एडमिशन में मौका मिल सकता है। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये थी कि सर हमारे यहाँ जो साइबर वाले होते हैं, ठीक है, ये हमारे फॉर्म को ठीक से भर नहीं रहे या कहीं एरर कर दे रहे हैं, कुछ गलती कर दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ जब इस तरीके की इंक्वायरीज आ रही थी तो मुझे लगा क्यों ना एक प्लेटफॉर्म बना दिया जाए, तो फाइनली काउंसलिंग वाला करके प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, जहां से आपके इस पूरे यूनिवर्सिटीज रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, आप साइबर वाले के पास नहीं जाना चाहते हो, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उनसे करवा लो। जो पेमेंट आप साइबर वाले को देते हो, आप वही पेमेंट इनको दे देना। समझ गए कि नहीं? ये BHU के ही स्टूडेंट है, अबाउट 6 से 7 लोग हैं, ये एक ही जगह बैठ के पर डे का जितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन आता है वो लोग कर रहे हैं। अबाउट डेली में 100+ में लोगों का उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, जो कि बिना किसी नोटिफिकेशन से हमारे पास आए थे, मैंने उनको दे दिया था, वो कर रहे हैं। अभी मैं अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा ऐसा है तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है काउंसलिंग वाला करके, वहां पे आप कॉल करो और उनसे कॉन्टैक्ट करके आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हो। कहीं भी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कराना हो तो आप उनसे करा सकते हो। इवन आप जैसे कुंभो में कराते हो, 5 या 6 यूनिवर्सिटीज करा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि हर यूनिवर्सिटी के लिए पैसा देना है। वो आपको फिक्स कर देंगे कि आप हमारे यहाँ अगर एक ही बार में आ रहे हो, आप कितनी यूनिवर्सिटीज भी कराओ, हम आपका इतना पैसा लेंगे और आपका करता जाएंगे। इस तरीके का है, क्योंकि उनके पास डेटा रहेगा ही। तो प्लीज आई थिंक आप अगर आपको प्रॉब्लम है, अपने फॉर्म में नहीं गलती चाहते हो, तो आप लोग ये काम कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अभी न्यूली कौन कौन से यूनिवर्सिटीज जो है वो स्टार्ट किए। वन ऑफ द मोस्ट थर्ड फेमस यूनिवर्सिटी इन इंडिया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, जो बच्चे में इंटरेस्टेड है वो जाके इस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका जो सेपरेट स्टेप बाय स्टेप वीडियो है वो भी जाना है, चैनल पर चला जाएगा। BBAU, भाई बहुत जल्दबाजी नहीं, बस जानो कि हाँ यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, BBAU भाई ये लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज है, यहाँ लगभग 50% जो होता है वो सीट रिजर्व होती है SC ST के लिए। ठीक है, और वही जो 50% सीट होती है उसमें सब आते हैं। तो कहने का मतलब ये है, कुछ ऐसा डेटा इनके पास है कोर्स वाइज, तो BBAU जो है वो लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज है, लेकिन रजिस्ट्रेशन इतना पहले स्टार्ट कर दिया है, एडवर्टाइजमेंट इतना BBAU हो चुका है, तो मुझे लग रहा है इधर भीड़ BBAU में भी बढ़ने वाली है। स्टार्ट हो चुका है ओवरऑल, आप BBAU भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो है ये भी स्टार्ट हो चुका है। ये कहाँ का है? ये दिल्ली की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये दिल्ली की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये दिल्ली की यूनिवर्सिटी है, और ये जो है BBAU ऊपर वाला जो है ये वाला, ठीक है, ये आपका कहाँ पे है? ये लखनऊ में, ध्यान देना, ये लखनऊ में है और ये दिल्ली में है, ये स्टेट कैपिटल में है और ये नेशनल कैपिटल में है। लास्ट है JNU काउंसलिंग जो है, भाई इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है,
ध्यान देना कि जेएनयू का भी कोई भी आप लोग काउंसलिंग मत कराना। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूँ, काउंसलिंग प्रोसीजर जेएनयू का कैसे पूरा फॉलोअप होने वाला है, आप प्लीज उसको देखने के बाद ही फॉलो करिएगा, क्योंकि जेएनयू में आपके अच्छे मार्क्स होंगे तभी आप जाना चाहोगे, तो गलती मत करना। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है जहां पे रजिस्ट्रेशन जस्ट फर्स्ट ऑफ मे में गोइंग टू स्टार्ट, सो प्लीज अवेयर रहना। जैसे ही वीडियो इलाहाबाद का जाता है नोटिफिकेशन ऑन करो चैनल का, हर वीडियो देखना, ठीक है। एलयू आई लव यू नहीं है, ये लखनऊ विश्वविद्यालय है, यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी चल रहा है, अभी पूरे मई के लास्ट तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना है। जो बच्चे भी लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लेकिन अपने आपको पीजी के लिए सेपरेट कर रखा है, और जो ये है लखनऊ विश्वविद्यालय जो है ये स्टेट यूनिवर्सिटी है यूपी का, लेकिन अच्छी विश्वविद्यालय, अच्छा विश्वविद्यालय है, बड़ा साफ सुथरा है, आप यहाँ भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल कुछ यूनिवर्सिटीज की लिस्ट थी जो आपको फॉलो करनी है सीयूटी पीजी 2024 के रजिस्ट्रेशन के लिए, अभी तक आज की डेट तक। मेरा नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा जैसे जैसे पोर्टल ओपन हो जाएंगे, तब बीएचयू के लिए बहुत डिमांड रहता है, तो मैं बीएचयू के लिए ऑलरेडी ऑफिशियल वीडियो दिया था ना, जाके पता किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको देख सकते हो। तो प्लीज आज पूरे दिन वीडियो आना है, सो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करके रखो, क्योंकि पूरा काउंसलिंग का एक जर्नी है भाई, इस यात्रा में हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहो, मिलके इस यात्रा को हम लोग कवर करते हैं और बढ़िया खुशनुमा सफर बनाते हैं, ठीक है, मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव।